हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप जानते हो डेली कोचिंग से बेहतर इंजन बाकी अपडेट लेकर आता हूं। आज जो अपडेट लेकर हॉकिंग्स की तरफ से, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बीटेक डिप्लोमा से आप पास हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसका सैलरी बात किया जाए तो पर ईयर सैलरी 12 लाख रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दो, आप मेरे वीडियो पर न्यू देख रहे हो तो आप जाकर चैनल सब्सक्राइब करें पहले, दोस्तों जाकर शेयर करें ताकि उन लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरियस टाइप के पोस्टिंग निकले हुए हैं, तो अब मैं सिंपली बात करने वाला हूँ टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, अगर डिप्लोमा से आप पास आउट हो, 3 ईयर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग से बीटेक पास आउट हो, पोस्ट ग्रेजुएट से पास आउट हो, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें ब्रांच यहाँ पे मेंशन किया गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल टूल डिजाइन मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिजाइन इंडस्ट्रियल मटेरियल साइंस से आप पास आउट हो, बीटेक डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं इसका एज क्या रहने वाला है। एज के यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे एज के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, 21 ईयर से आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 28 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 21 ईयर से आपका एज कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम 28 ईयर से आपका ज्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 28 ईयर से आपका एज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एज 21 ईयर है तो अप्लाई कर सकते हो, 21 से 28 ईयर के बीच में आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आप देखते हैं नोटिफिकेशन में अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं इस कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताते हैं। चलिए, आप अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई करने का 2 मेथड है आपका। पहला है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, दूसरा ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, हॉकिंस की वेबसाइट पर चल जाना होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे करना है। उसके अगर आप इस नोटिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन अच्छी तरह से रीड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लिंक दे दे रहा हूँ, तो जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेन लिखा हुआ, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, चलिए क्लिक करके दिखाते हैं। सिंपली मैनेजमेंट ट्रेन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। सिंपली जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया, तो आपको देख पा रहे हैं, आपको चलते आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग पे दिया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना होगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है इसमें, क्या कर लेना होगा, पहला अपना नाम डाल लेना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उसके बाद यहाँ पर बायोडाटा अपलोड कर लेना होगा, फिर उसके बाद 200 वर्ड के हैंड राइटिंग आपको अपलोड कर लेना होगा, दिखाना होगा कि आप किस लिए इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, किस लिए इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपको 200 वर्ड में आपको हैंड राइटिंग आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना होगा। फिर उसके बाद क्या कर लेना होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसके बाद आपका मोबाइल OTP से आप वेरीफाई कर लोगे, सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर लोगे, सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फरवरी लास्ट इसका रहने वाला है अप्लाई, तो आप अप्लाई करना चाहते हो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड, तो जाके अप्लाई जरूर करना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से अच्छी तरह से चेक करके अप्लाई कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और